U1 से U2 का लिखा था, वो समझ आया? क्या लिखा है हमने? मैंने बोला है ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड U1 टू U2, ये जो लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन U1 टू U2 डिक्रीजेस, ये समझा दिया था, ये समझ में आया था यहाँ पे जो बताया था ये वाला पार्ट? एनी डाउट इन दिस वन? समझ आ गया? अच्छा, U3 से U4 के बीच वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, ग्राफ देख के बताओ। इंक्रीज हुए ना? इंक्रीज हुए। हाँ, यहाँ पे क्या हुए? डिक्रीज हुए। ये इतना पोर्शन क्या हो गया, इतना पोर्शन ये वाला डिक्रीज हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। ये ग्राफ में देख के बताना है, हर जगह वैलिड नहीं, ग्राफ पे, ग्राफ के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम T1 टू T2 द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन U3 टू U4 इंक्रीजेस, क्या होते हैं बच्चा बच्चों? इंक्रीज। ये ग्राफ का डेटा याद रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ, ये एरिया दोनों में कॉमन है, यहां से लेके इन्फिनिटी तक जो जा रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा, ओह ये बैक होगा, अंडू होगा क्या ये? हाँ हो गया, देखो ध्यान से। अगर मैं तुमसे पूछूं, थोड़ा सा कई बार एग्जाम में आ जाता है ये चीज, शेडिंग वाला मैं लाता हूँ कलर कोई, चलो ये ले लेते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा कम हुआ है कि नहीं बोलो? और कौन इंक्रीज हुआ है, ये पूरा इंक्रीज हुआ है कि नहीं, इधर वाला? यस सर। इसके नीचे नीचे जो भी होगा ये ऐसा, तो बीच में कॉमन कौन सा है, कॉमन एरिया ये इतना बचा है, हाँ यहाँ से ये वाला। तो अगर कई बार पूछता है ये एरिया और इधर वाला एरिया, तो बोलेंगे ये दोनों एरिया भी क्या है, सेम है। ये अगर तो एरिया मान लिया हमने, हाँ ओके सर, हाँ सर समझा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है ना। हाँ सर, तो ए डैश और ए डबल डैश ये एरिया भी क्या होंगे, सेम होंगे। जो एरिया वहां पे घटा है उतना ही इधर इंक्रीज होगा, बात सही है कि नहीं बोलो? हाँ सर। क्यों? बिकॉज जो सर, तो फिर एरिया वो जो बीच वाला है दोनों में, वो कॉमन हो जाएगा, वो तो दोनों में है। हाँ सर, है ना। तो ये ग्राफ की टेक्निकलिटीज हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, नोट करें इसको। कहां से नोट करना बाकी बताओ? यहीं से सर, थर्ड पॉइंट से। थर्ड पॉइंट कहां है, कौन सा थर्ड पॉइंट सर? वो स्टार, थर्ड स्टार। अच्छा हाँ सर, सर सेकंड पॉइंट भी दिखे। सेकंड पॉइंट भी, अच्छा ठीक है। नोट करें,
आगे बढ़ा दें, किसी का ग्राफ बचा है, ग्राफ में कुछ लिखना बचा हो तो बताओ। क्वेश्चन लिखो, किसी का कुछ बचा है तो बता देना। इफ फॉर टू गैसेस, बिकॉज हमारा जो एग्जाम है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो हम लोग जितनी थ्योरी पढ़ेंगे उससे ज्यादा कहीं न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बिकॉज फाइनली जो एग्जाम होगा उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही तो आएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही तो आना है, तो हमें क्वेश्चन करने का तरीका पता हो जाए बस, क्योंकि टाइम बाउंडेशन भी है, ऐसा तो नहीं कि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है। अच्छा कट रहा है, मतलब धीरे नहीं है लेकिन कट रहा है। हाँ सर, अब बराबर है। अच्छा ठीक है, क्या आंसर आएंगे? ये क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है जेईई मेंस में। सर एक बार वापस करो जी, कौन सा वाला? सर वो U3 टू U4 के बाद सर, U2 टू U4 के बाद ये वाला। सर तीन ही पॉइंट लिखा है ना अब तक। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन दे दिया, इतने ही पॉइंट, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है। ग्राफ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए बताया। ओके सर, नोट हो गया तुम्हारा? हाँ सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे आज। जैसे ही तुमसे नहीं हो पाए मुझे बताना, मैं तुमको सिखाऊंगा। हाँ जी बच्चों, आंसर आया? देखो मैं सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ फॉर द टू गैसेस
this relation is given, then what will be the same density? बेटा क्या होता है PMIRT? तो प्रेशर जब नहीं सेम है तो TA अपॉन MA सेम होने से कैसे सेम हो जाएगा? प्रेशर भी तो सेम होना चाहिए उसके लिए, तो प्रेशर सेम है ही नहीं, ठीक है, तो रो तो सेम नहीं होगा। फिर प्रेशर के लिए अगर देखना है तो क्या होता है, PV इक्वल टू NRT या P इक्वल टू क्या होगा, RT अपॉन M, दो फॉर्मूले हैं। तो T और M में रिलेशन तो है बट रो का रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकते। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 RT होती है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होती है तो यहाँ पे लिखा है यही नहीं, TA TB अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकती बच्चों। यस वेरी गुड, देखो यहाँ पे प्रथमेश ने आंसर बता दिया, RMS स्पीड सेम होगी, क्यों? बिकॉज यू RMS A का क्या होगा, 3 RTA URMS भी 3 TB MB, ये जो है ये किस में लिखा हुआ है पता है, ये ऐसे लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट कह सकते हैं इसको, इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे क्या आएगा, सॉल्व करें बच्चों, क्या आएगा, TA अपॉन MA इंटू TB अपॉन ये MB जो है वो ऊपर चला जाएगा ना, MB अपॉन TB आएगा, हाँ जी बच्चों आंसर क्या आएगा, हाँ बैटरी लो, ये तो गलत बात है, तो यहां से तो TA अपॉन MA कितना आ जाएगा जो क्वेश्चन दिया है उससे, हाँ जी बच्चों TB अपॉन MB, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, TB अपॉन MB, MB अपॉन TB कट जाएगा, पूरे का पूरा 1 आ जाएगा। अच्छा सवाल है कि नहीं बोलो, yes, sir. जल्दी नोट करें इसको, प्रॉपर टाइम दिया मैंने तुमको सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस के कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा दें सवाल को, एनीवन रिमेनिंग, Thank you.
सबने नोट किया है, किसी का कुछ रिमेनिंग है? जिसने भी नोट ना किया हो वो बता देगा। एक सवाल में और दे रहा हूँ सर, एक मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर। और इसके नहीं, नहीं, बस बस सर। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत छोटा है, सिंपल सा है, बट सवाल तो बन सकते हैं ना इस पे, एप्लीकेशन तो इसका आ सकता है कई तरीके से। थैंक यू सर, डन। अच्छा ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे। सर वो क्या लिखा है, क्या चीज बताओ? फॉर मोल लिख दिया। अच्छा, फॉर वन मोल है वो। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आएगा? I know the answer is D, RN. अगर गलत हुआ RN तो भाई करेक्ट है RN, कॉन्फिडेंस है ना? नहीं नहीं नहीं, मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि सही है या गलत है। देखो प्राची ने तो ये बोला है, अब ऐसा नहीं कि कोई इसके लिए जो है बहुत बड़ी पनिशमेंट है, गलत हो भी सकता है, बट वी हैव टू इम्प्रूव। ये आंसर हमेशा सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस जरूरी है, तो डरना नहीं है। जो आंसर तुम्हारा है उसको तो बताना है, किसी का सही होगा किसी का गलत, और कुछ दिनों बाद सबका सही होने लगेगा। तो अभी स्टार्ट किया है, सुनो मिताली का सी है, सर्वेश का ए है, ओके लेट्स सी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसको ई से लिखा इन्होंने, हाफ एम v स्क्वायर होता है। अब यहां वन मोल दिया है तो उसका मास क्या होगा, m, और urms का स्क्वायर, तो यहां से urms कितना आएगा, स्क्वायर रूट। बच्चे ऐसे सॉल्व नहीं किया था क्या? यस, कितना आसान था और कितना कंफ्यूजिंग था, है ना?
सर आवाज बढ़ गया। हाँ सर बात अच्छा बाहर की आवाज ज्यादा आने लगी क्या? यस सर। ये ऑटोमेटिक ये कुछ करता है माइक्रोफोन है ना, खींच लेता है आवाज आई थिंक सो। क्योंकि मेरी आवाज एक बार चली गई थी जैसा तुम लोग ने बताया सर, आपकी और बैकग्राउंड के साथ चली गई थी। अच्छा अच्छा अभी मेरी आवाज साफ आ रही है? यस सर सर आ रही है। ये सबका नोट हो गया। अच्छा बैकग्राउंड का बिल्कुल क्लियर तुम्हारे पास आवाज आ रहा है, इतनी दूर से कैसे कैच कर लेता है ये? आई थिंक कम होगा, मतलब एकदम पूरा क्लियर आ रहा है। हाँ 300 मीटर गाना याद हो जाएगा। हाँ सर कौन सा तो अंग्रेजी में कौन सा तो गाना चल रहा है वो पूरा सुनाई दे रहा है। अच्छा हाँ सर बहुत ज्यादा आजकल माइक्रोफोन लोग एडवांस हो गए। हिमांश मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? विंडोज तो सब क्लोज्ड हैं बट वो क्या है ना बहुत ज्यादा वाली आवाज है। अच्छा आर्यन ने सोचा था 3RT/2। अच्छा बच्चे देखो, अच्छा ऐसा डाउट क्यों आया ये मैं समझा देता हूँ। मान लो ये ऐसे सवाल होते हैं ना 3/2 RT वाला, इससे तो अगर सॉल्व करोगे 2E/3 तो यहाँ पे टी आएगा, यहाँ आर है, यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, स्पीड तो आई नहीं रही है URMS। तो यहाँ से भी अगर सॉल्व करोगे तो कोई गलत नहीं है। यहाँ से अगर सॉल्व करने का सेकंड मेथड कैसा है देखो बच्चों, सेकंड मेथड ई कितना होता है 3/2 RT, तो RT की वैल्यू निकाल लो कितना आएगा 2E/3 इक्वेशन नंबर वन, और हमें पता है URMS कितना होता है 3RT/m, URMS स्क्वायर कितना होगा? हाँ जी बच्चों URMS स्क्वायर कितना होगा 3RT/m। सर मैंने ऐसे हाँ ऐसे किया था तब भी तुम्हारा आया होगा आंसर, आया था कि नहीं आया था बोलो? यस सर। RT कितना आएगा बोलो? URMS स्क्वायर इंटू m बाय 3, तो RT की वैल्यू पुट करो वहां पे URMS स्क्वायर इंटू m बाय 3 इक्वल टू इस इक्वेशन नंबर वन में डाल रहे हैं 2E/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया है ना, और हमें क्या चाहिए URMS चाहिए, तो 2E/m का स्क्वायर रूट। ये तरीका भी बहुत अच्छा है, इसको भी नोट कर सकते हो। सबने नोट कर लिया? ये एक ऐसी चीजें होती हैं जो हमें धीरे 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 जब पढ़ते रहते हैं हम, तब जाके हमें इसके बारे में समझ आता है। सबने नोट कर लिया सेकंड मेथड? अब देखना थोड़ा ऊपर सर, अभी सेकंड मेथड लिखना है कि फर्स्ट मेथड? सर सेकंड। ये भी मेथड बहुत अच्छा है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने इसके थ्रू किया था, जैसे कि नवीन तुमने कर रहे हो ना। अच्छा किसने इस मेथड से सॉल्व किया था, नाम बताओ? सर मैंने किया, हर्ष ने किया था। हर्ष ने किया था, वेरी गुड, वो भी अच्छी है। प्राचीन ने भी वैसे किया है। अच्छा पहले वाले मेथड से किसने किया था, हाफ एमवी स्क्वायर वाले से, सिंपल वाला जो मेथड है? ये टफ वाला मेथड है। प्रथमेश ने किया था सिंपल वाले मेथड से, क्लास में भी मैंने कराया, चिन्मय ने किया था, आर्यन ने भी किया था। ओके वेरी गुड, बहुत ही जरूरी है ये बात ध्यान रखना कि हमको कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो प्लीज इसको सॉल्व करें। क्या ये नोट हो गया तुम्हारा बच्चे? ओके क्वेश्चन देखो, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी है ये।
if the density of a gas is 2 gram per liter and it has a pressure of 1 atm, then find its RMS speed. हाँ जी, कैसे करेंगे? बहुत अजीब सवाल है, थोड़ा दिमाग से खेलना है इसमें. देखो, ये सवाल जो है ना, इसमें बहुत लोग जो है फंस जाएंगे. बट ट्राई टू सॉल्व. जब मैं बताऊंगा तो तुमको बहुत आसान लगेगा. देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसे सवालों में थोड़े पुराने फॉर्मूले रिवाइज कर लिया करो. आरएमएस का फॉर्मूला क्या है बोलो? एनीवन? अंडर रूट 3 RT/m. क्या तुम्हें RTM कुछ पता है? नहीं पता है तो कैसे रिप्लेस करोगे, क्या करोगे? हाँ जी, कैसे करना है बोलो आर्या. कैसे हम डेंसिटी ऑफ गैस और प्रेशर के टर्म्स में फॉर्मूला लाएंगे सर? हाँ, प्रेशर इनटू डेंसिटी करेंगे तो आरटी बाय एम निकल जाएगा ना. हाँ, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा याद है? कितने लोग को ये वाला फॉर्मूला याद है? कितने लोग को याद है ये फॉर्मूला? सबको याद है? Yes, sir. तो एक नया फॉर्मूला हम बना देंगे, उसको क्या नाम देंगे? RT/m P/rho. क्या बन जाएगा फॉर्मूला ये तुमसे? आज ही बोलो. 3 P/rho फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर 1. दोनों ही याद रखने हैं. अगर नहीं याद रखना है तो ये रिलेशन तो याद ही रखना है. इसको नोट करो, पहले रिलेशन नोट करो, देन यू हैव टू सॉल्व. आई विल चेक द आंसर. सर, √3/2 है क्या? 3/2 P/rho जो है ना, उसकी वैल्यू कैसे लोगे? वही तो सबसे बड़ा खेल है, यूनिट के साथ लेना है बच्चे. ओके, आरएमएस स्पीड हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए. किस में चाहिए? हाँ जी, गलती नहीं होना चाहिए. आंसर एनीवन?
प्रेशर इंक्रीज में 10^5 हास्पिटल हो गया। पहली बात, प्रेशर एटीएम में लेना है तो 10^5 होगा। वेरी गुड। तो 1 एटीएम कितना होता है बोलो? 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑलमोस्ट। वैसे 1.01325 है, बट इतना ले लो चलेगा। अच्छा डेंसिटी कितनी है? अच्छा 2 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 10^-3 किलोग्राम। 1 लीटर का मतलब कितना हो गया? 10^-3 मीटर क्यूब। तो कितना आएगा? 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गॉट इट? सबको समझ में आया? सर एनी डाउट्स? बोलो, ग्राम पर लीटर को कन्वर्ट करना जानते हो बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 1 लीटर कितना होता है? 10^-3 मीटर क्यूब। 1 ग्राम कितना होता है? 10^-3 किलोग्राम्स। कट जाएगा। पास्कल, वेरी गुड वेरी गुड। इसको कट करो, 1.5 × 10^5। इसको लिखेंगे 15×10^4। बाहर कितना आएगा? √15 × 10^2 मीटर पर सेकेंड। रूट 15 की वैल्यू बताओ जल्दी से प्रथमेश। 3.8। देखो मैंने सॉल्व किया है, जो मैंने सॉल्व किया वही आंसर है। अब तुम देख लो अपना। 3.873। चलिए ठीक है सर, थर्ड नंबर नहीं पता। थर्ड नंबर 3.87 तक तो आ रही है। चले जाए, इतना चल जाएगा, कोई बात नहीं है ना। इतनी स्पीड है, अच्छी खासी स्पीड है। ठीक है, सॉल्व कर पाए थे कि नहीं यार? एनीवन? ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं बोलना कि ऐसा तो देखा ही नहीं था कभी। देख लिया ना अभी? चलो इसको नोट करो। बिल्कुल अलग सवाल है कि नहीं? ये टीएम कुछ नहीं दिया हुआ है, पी रो दिया हुआ है। कैलकुलेशन में दिक्कत था, सच सच बता रहे हो प्रथम, सही बात है। कैलकुलेशन तो थोड़ी है बच्चे, लेकिन देखो इतनी टफ कहाँ है। मैंने खुद इसको सॉल्व कर लिया, सिर्फ तुमसे √15 पूछ लिया। जब मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो तुम तो आराम से कर लोगे, तुम तो रनिंग में हो। मैथमेटिक्स फिजिक्स सब में कैलकुलेशन करते हो दिन भर तुम, तो √15 का तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। क्लास 10th में सिखाते हैं रूट निकालना बच्चों को, है ना? ऐसे पेयर बना के सिखाया जाता है, ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे डेसिमल बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे करके करते हैं। शायद ये सब तुमने पढ़ा हो मेरे हिसाब से, जो भी है। आई डोंट नो कितने लोगों ने √15 निकालना सीखा था इस वाले मेथड से। ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके इसमें पेयर बनाते हैं, इधर से पेयर फिर इधर से पेयर, तो 3×3 = 9 होगा, तो 6 बचेगा। हाँ जी, अच्छा ये वाला मेथड आना चाहिए बच्चों। ये मेथड जिसको नहीं आता है वो बड़े दिक्कत में पड़ जाता है फिर। तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि क्या लिया जाए, 8 लिया जाए तो क्या वो 8 से जाएगा? तो वो सब चीजें होती हैं, जो भी है अपना देख लेना तुम लोग। मैं तो भूल गया हूँ, आज से 10-15 साल पहले यूज किया होगा मैंने इसको। हाँ जी सबका नोट हो गई? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर? ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला जो मैंने कर्व लिया था, अभी इसको मैंने होमवर्क जो दिया। तो वॉइस नहीं आ रहा, वॉल्यूम इज ब्रेक। मतलब क्या मिला है? नहीं आ रहा है।
कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर, नाउ वी कैन हियर. अच्छा सर, पच्चीस अक्टूबर से पहले, 25 अक्टूबर को मैंने रिमाइंडर भी दिया था. होमवर्क का नाउ सुनो, ये होमवर्क का रिमाइंडर था, कल्याणी ने सबमिट किया है, ये लिस्ट में डालूंगा ग्रुप पे, ठीक है? सबमिटेड बाय कल. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. हेलो सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर टूट रहा है आवाज, बहुत ब्रेक हो रहा है. सबमिटेड बाय नाम लिख रहा हूँ ऐसे बच्चों का जिन्होंने होमवर्क सबमिट किया है, क्या उसका नाम नहीं आएगा तो यहीं पे बता देगा. ओके ईशान, अभी मैं ऑडिबल हूँ क्या ईशान? तो ये नाम लिख रहा हूँ, इसको देखते रहो. राज, राज कौन है बच्चा? ये पेन का बच्चा राज. ओके राज महात्रे, वेरी गुड. वेदांत, वेदांत पाटिल, दो वेदांत है क्या? और समीक्षा, इतने बच्चों ने किया है, ओह गॉड, इतने कम बच्चों ने किया है सबमिट. दैट्स बाय 10 यू विल सबमिट. ओके तो 10 बजे तक मैं वेट करता हूँ, 10 बजे के बाद में लिस्ट विल बी सबमिटेड. लिस्ट विल बी क्या लिखा जाए, पोस्टेड ऑन द ग्रुप. हाँ जी, बाकी ये तो पुराना होमवर्क हो गया, जो नया होमवर्क दिया है, कौन सा होमवर्क दिया था वो तो प्रथमेश, नया असाइनमेंट, असाइनमेंट 2. सर अभी तक नहीं भेजे शायद. नहीं, जिसमें सेक्शन डी करके था, हो गया क्या वो? हाँ नहीं सर, लेक्चर 3. अच्छा अभी तक भेजा ही नहीं, लेक्चर 3 के बाद से नहीं भेजा है ना. हाँ. आज को असाइनमेंट भेजता हूँ, असाइनमेंट 2 लेवल 1 तो सबमिट करना है आज, आज लास्ट डेट था उसका ना. हाँ सर, यही था, मतलब 25 को था शायद. कौन सा था? 25 को था शायद लास्ट डेट. वेडनेसडे किसका दिया था मैंने, पुराने होमवर्क का? नहीं सर, इस वाले का. वेडनेसडे तो मैंने बोला था. हाँ सर, ये असाइनमेंट 2 लेवल 1 का बोला था. वेडनेसडे तक कहाँ किया सबमिट? आज आज थर्सडे है ना बच्चे? हाँ सर. हाँ तो सबमिट तो करना पड़ेगा सर. किया तुमने तो, कर दिया. अच्छा बाकी लोग कितने बजे तक सबमिट करोगे? 10 बजे तक लास्ट चांस. 10 बजे तक कैसे कर पाओगे, अभी क्लास करोगे कि होमवर्क सबमिट करोगे? सर कर रखा है वो तो, बस सबमिट ही करना है मेरे को. अच्छा बस तुम्हें सबमिट ही करना है, ठीक है फिर. वेरी गुड. अच्छा अच्छा अच्छा, सॉल्व दिस असाइनमेंट एंड सबमिट बाय वेडनेसडे, ऐसा बोला था मैंने. यस, मैंने ग्रुप पे लिखा हुआ है, तो भाई सबमिट तो करना चाहिए था. कल मॉर्निंग में कर दोगे? अच्छा आज रात 10 बजे तक करो, और फाइनल जो है डेस्टिनेशन जो है वो तुम्हारा फाइनल जो टाइमिंग है वो कितना है? 10 AM सही रहेगा? 10 AM तक रख दूं कि और बढ़ा दें? बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेट, नया असाइनमेंट भी तो दे दूंगा मैं. हर्ष, हर्ष ईद नहीं है आज, वो आज का तो ऐसा है ना. ठीक है थैंक यू, तुमने बता दिया. ओके 10 AM चलो ठीक है. चलो मैं जो है वेट करता हूँ तुम्हारे होमवर्क का. आर्यन होमवर्क तुमने नहीं भेजा, क्यों ऐसा किया आर्यन?
हिमांश तुम भी नहीं भेज रहे हो आजकल, दीक्षिता ने भी भेजा नहीं बट वो होमवर्क क्लास में आई थी, तो मैंने तो नाम लिखे हैं, बहुत कम लोगों ने भेजा है। चलो मैं होप करता हूँ है ना कि सारे बच्चे भेज देंगे। सर मेरा टेस्ट चालू था, मैं आज भेज दूंगा सर, आज टेस्ट था मेरा मैथ्स का, कल सुबह 10 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ मैं, फिर लिस्ट देते हैं। मैं आज भेज दूंगा मैं आज भी। चलो बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ। बाय सर। बाय सर।